तो ना मुझे गाइस कमेंट किया किसी ने कि दीदी इसमें पंप होता है, तो मैंने को सोचा क्यों ना ट्राई करूं, और मेरा मुंह देखना, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि इसमें पंप भी है। मतलब यार आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इसमें पंप है। मतलब मेरे को लगता था पंप ही नहीं है इसमें, और मैं कितना खुश हो गई थी। मतलब सो थैंक यू, मतलब किसी ने मुझे बोला तो मैंने किया। जाने क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जाने क्यों छोड़ो भी अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ओके, फाइनली मैंने करवा चौथ का लुक डाल दिया था, और अब मैं डाल रही हूँ ये है दिवाली मेकअप लुक। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि दीदी अभी करवा चौथ हो गया, अभी दिवाली का एक लुक डालो। सो मेरा एक मन था एक ट्रेडिशनल टाइप का लहंगे में मेकअप लुक करने का। सो ये वाला लुक जितना थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है ना आपको, बहुत ही ईजी लुक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा हैवी लुक करूँगी और न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी, बट एट द एंड होता है ना, जब हम जो चीज़ हम सोचते हैं वो होता नहीं है कभी कभी। मैंने सोचा तो अलग लुक था, बट हो गया ऐसा लुक, बट बहुत सही लग रहा है ये वाला लुक भी। एट द एंड इतना सही लग रहा था, बाल को मैंने नीचे नीचे से कर्ल्स किए हैं आज, ऊपर ऊपर से नहीं किए। लहंगा भी इतना सुंदर, लहंगे का कलर देखो गाइस। ये ऑफलाइन है तो आप लोग कमेंट मत करना कि दीदी इसकी लिंक दो, क्योंकि मैं नहीं दे पाऊंगी। सो लुक ओवरऑल बहुत एट द एंड बहुत प्यारा लुक हुआ था, और बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब सो वीडियो में एंड तक बने रहोगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसा है क्या है। जस्ट मैंने एक ही आई शेडो से पूरा लुक किया है, मतलब बिगनर फ्रेंडली मेकअप लुक आप समझ लो। ओके, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, अभी के अभी सब्सक्राइब करो गाइज। नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, यहाँ पे मैं आ गई हूँ वॉइस ओवर में। वैसे मैं अभी तक वॉइस ओवर में ही थी, सॉरी सॉरी या वॉइस ओवर है, क्योंकि आज ना मैं बोलना भूल गई। मतलब कि मैं ना होता है ना इंट्रो देना, वो मैं भूल ही गई थी, आई डोंट नो व्हाई। फिर सडनली जब मैं ना वो कर रही थी एडिटिंग, मुझे याद आया कि यार इंट्रो वाला वीडियो कहाँ गया, भूल गई, तो मुझे इस बार इंट्रो ऐसे करना पड़ा। सबसे पहले हाँ, मैंने टोनर भी लगाया था, बट टोनर वाली वीडियो भी स्किप हो गई, पता नहीं वो वाला पार्ट कहाँ चला गया। मैंने अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है और लिप बाम लगा ली, और अच्छे से यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर है मनीष मल्होत्रा का, काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है, और पूरे फेस को ब्लर कर देता है। मतलब मेन मेन पॉइंट्स पे लगाते हैं, बट मैं ना पूरे फेस में लगा लेती हूँ। मतलब ठीक है, सो सबसे पहले आप प्राइमर लगाने से पहले आपका बेस जो है ना, मतलब बेस नहीं सॉरी, फेस जो है ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना। ओके, यहाँ पे मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का फाउंडेशन। देखना देखना, मैंने बंद कर दिया, मुझे सडनली याद आया कि भाई किसी ने मुझे बोला था कि इसमें पंप होता है। जब मैंने खोला, मतलब मेरा रिएक्शन देखा आपने, ओ माय गॉड, मतलब मेरा रिएक्शन ऐसा था ओ माय गॉड इसमें पंप भी है, और मेरे को पता नहीं चला। थैंक यू जिसने मुझे बताया, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि के ब्यूटी का फाउंडेशन इतना महंगा है, इसमें पंप होना चाहिए, वरना बहुत मेस्ड अप हो जाता है। जब मैंने इसे खोला, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड इसमें पंप भी है। ओके, एनी वेज, यहाँ पर मैं डॉट डॉट करके अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ। मतलब काफ़ी अच्छा वाला फाउंडेशन है और मेरी स्किन टोन से मैचिंग है। मतलब ओके, किसी ने कमेंट किया था कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है आप चेंज कर दो, आपका सारा प्रोडक्ट खा जाता है। गाइज मुझे भी ये लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर ही खा जाता है यार आधा तो, आई डोंट नो व्हाई। तो मुझे कवरेज भी अच्छे से नहीं मिल पाती है यार, और ये वैसे मिनीसो के ब्यूटी ब्लेंडर हैं और काफ़ी अच्छे हैं। सुन लिया ना गाना? अब कमेंट करके बताओ कि कौन सा गाना है, बताओ
कमेंट करो इसका फिल्म का नाम कमेंट करो। मैं ना अब अपने हर एक वीडियो में एक गाना गाऊंगी उसका नाम आप कमेंट करना मुझे, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे मैंने आईब्रोज अपनी फिल कर ली। हाँ, मैं इस टॉपिक में बात कर रही थी कि जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, मेरे पास दो है मिनीसो के, मुझे ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट दोनों ही मैंने यूज़ कर लिए हुए हैं। सो मुझे लगता है एक दिन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा मेरा फाउंडेशन खा रहा है। आई डोंट नो भाई, किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप अपना चेंज कर दो, आपका सारा तो ब्यूटी ब्लेंडर ही खा जाता है। सो इसी वजह से मेरा फाउंडेशन भी ज़्यादा वेस्ट होता है गाइज। एनीवेज मैं चेंज करूँगी, अब मैं नया मंगाऊँगी, थोड़ा बहुत सामान मुझे मंगाना भी है। तो जैसे कॉम्पैक्ट मेरे तीन गिर के टूट चुके हैं, तो देखती हूँ। चलो यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रोज को फिल करके एजेस को क्लीन कर लिया। अभी मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लिया मैंने दोबारा मेबलिन वाला, जो मैं हर रोज लगाती हूँ, मतलब मेरा फेवरेट वाला, उसको मैंने अपने अंडर आइज में लगाया। और मैं कॉम्पैक्ट से सेट करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं अपनी जहाँ क्रीज पड़ जाती है जैसे कि लिड वगैरह, मैं उसको अच्छे से वापस से पहले मैं ब्लेंड करूँगी, ताकि जब मैं सेट करूँ तो क्रीज व्रीज ना पड़ी हो। और अच्छे से ब्लेंड करके और उसके ऊपर सबसे पहले अपनी लिड में सेट करूँगी और पूरा अपना बेस अच्छे से सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट की हेल्प से। ये वाला कॉम्पैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास कॉम्पैक्ट्स अभी हैं तो बहुत सारे, पर ना शेड्स मेरे मैचिंग के नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं नए मंगाऊंगी। ओके, कॉन्टोर लेकर आज सबसे पहले ना अपना फेस का कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर ज़रूर किया करो, आपका फेस है ना थोड़ा पतला दिखता है, चिजल दिखता है, फेस को ना डायमेंशन मिल जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा नहीं लगता है। अपनी नोज़ को कॉन्टोर करूँगी ताकि मेरी नोज़ थोड़ी सी स्ट्रेट लगे, पतली लगे। ओके, यहाँ पे मेरे आँखों से पानी आ रहा था ना देखते देखते, मतलब लाइटिंग के आगे, मोबाइल के आगे, सो फिर मैं क्लीन कर ले रही हूँ ताकि बाद में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ना हो। पॉप एक्सो की पैलेट है ये, फेस पैलेट, इससे मैंने दोनों ही शेड मिक्स करके पहले मैं, हाँ आप ये किया करो, देखो ट्रिक बताती हूँ, आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे वो प्रोडक्ट आपका एक जगह बैठ जाएगा। पहले अपने हाथ में उसको लगा दो, उसके बाद जब वो हाथ में थोड़ा प्रोडक्ट निकल आए ना एक्स्ट्रा, उसके बाद आप अपने चीक्स में लगाओ, तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इजिली ब्लेंड भी होगा, ठीक है। पर्पल की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये सबसे डार्क जो रानी कलर दिख रहा है आपको पिंकिश टाइप का, एक पॉइंटर ब्रश से, ये बिगनर फ्रेंडली आई शेडो है बाय द वे, पैलेट नहीं, मतलब जो मैं बता रही हूँ आई शेडो वो। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपको पूरी लिड में लगा लेना है, ठीक है। पूरी लिड में आपने लगाया और उसके बाद जस्ट एक फ्लफी ब्रश लेना है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, एंड दैट्स इट। यही आज का लुक है, यही लुक है गाइस, मतलब सोचो कितना इजी लुक है, मतलब इससे इजी लुक मुझे नहीं लगता कोई होगा। तो दिवाली में मैंने सोचा इतना कोई हैवी करेगा भी नहीं, सो इसलिए मैं ऐसा लुक बताती हूँ जो सब कर सकें। सो ये ना बहुत ईजी लुक मैंने आपको सिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वापस एक डार्क पर्पल शेड लेके अपने लिड में लगा लिया, ताकि जो भी बिल्कुल मतलब कम हो गया था ना इसका, क्या बोलते हैं उसको, पिगमेंटेशन, वो वापस आ जाए। और फिर एक फ्लफी ब्रश लेकर के वापस पूरी अपने आई शेडो को ब्लेंड कर लिया। अब आप ही बताओ कितना ईजी लुक था, था ना ईजी। मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और जस्ट आप कोई भी ले लेना, आपके पास जो भी हो आप कोई भी लेना। और मैंने लिया गोल्डन शिमर वाला शेड और उसको एक ब्रश के हेल्प से, क्योंकि फिंगर के हेल्प से नहीं लग रहा था, ब्रश के हेल्प से मैंने जस्ट अपने लिड में लगाया है सेंटर में, दैट्स इट। पूरा लुक कंप्लीट हो गया। अपनी लोअर लाइन में मैं स्मच कर रही हूँ पिंक कलर जो मैंने अपने लिड में लगाया। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ डायरेक्ट अप फेसेस कैनेडा का ये है आईलाइनर। आईलाइनर आपको जैसे लगाना है वैसे लगाओ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा थिक आईलाइनर लगा रही थी और बिना विंग निकाले, क्योंकि मुझे विंग नहीं चाहिए थी। विंग जब भी मैं निकालती हूँ मेरा लुक पूरा ख़राब हो जाता है। LA18 का काजल लगा रही हूँ अपर लोअर लाइन में, दोनों दोनों जगह लगा रही हूँ अच्छे से, ठीक है। आपको पतला चाहिए आप पतला लगाओ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मेरे जैसा सेम करो, ओके, ऐसा कुछ नहीं। नायका का यहाँ पर ले रही हूँ मैं मस्कारा, यहाँ पे मैं आईलैशेस भी लगाऊंगी, बट दिवाली में अगर आपका मन नहीं है आईलैशेस लगाने का तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। मस्कारा स्किप मत करना, इससे आई लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। सो नायका का मस्कारा है, काफ़ी अच्छा है और वॉल्यूम दे देता है आपकी लैशेस को। ये है मेरा मार्स कॉस्मेटिक का गोल्डन वाला हाइलाइटर, ये इसलिए मैं गोल्डन लगा रही हूँ क्योंकि मेरे लहंगे के साथ गोल्डन हाइलाइटर ज़्यादा सूट करता मेरे हिसाब से,
आपको जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे लगाना। तो मेन मेन पॉइंट्स में लगा लिया और इनसाइड की सेटिंग स्प्रे से अपना बेस पूरा सेट कर दिया ताकि बेस बिल्कुल भी निकले ना। ठीक है, बेला वॉस की ले रही हूँ मैं लिपस्टिक। मैंने आपसे बोला था ना लास्ट में मैं लगाने वाली थी लाइट लिपस्टिक और आई शेडो मैं डार्क करने वाली थी, बट मैं करते करते मैंने सोचा कि मैं लाइट ही करूँ क्योंकि दिवाली में कोई इतना डार्क करने का नहीं सोचता है गाइस। तो आई लुक मैंने लाइट किया, उसके बाद मैं इतना थक गई, मतलब मेरे को भूख लग गई, तो है ना मैंने उसके बाद थोड़ा सा खाना खाया। ये था ये थी सोयाबीन की सब्जी एंड राइस, इसको मिक्स करके मैंने खाया। मुझे इतनी भूख लग रही थी यार, मैंने एसी चला लेती हूँ भाई, गर्मी लगती है, गर्मी हो तो मैं नहीं खा सकती क्योंकि गर्मी में मेरे से खाना नहीं खाया जाता है वरना और गर्मी लगती है। तो आज मैंने छोटी सी ये भी क्लिप इंक्लूड कर दी, मैंने कहा आप लोग भी देखो। अभी ये खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा मैंने अपना हीटिंग वाला कर्ल गरम कर लिया था कर्लर, एंड यहाँ पे मैं अपने बालों को नीचे नीचे से कर्ल कर रही हूँ। ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं करूँगी मैं, नीचे नीचे से करूँगी बीच के पार्टीशन के आगे। आधे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ गाइस, अब आधे बाकी है वो मैं आपके सामने करूँगी। ठीक है, ये कर्लिंग करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, ट्रस्ट मी बहुत टाइम लग जाता है गाइस, मतलब थक के जाती हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल कांपने लगते हैं क्योंकि थोड़ी सी मुझे है ना अंदर से कमज़ोरी, कुछ भी जैसे पकड़ो ना स्ट्रेट भी स्ट्रेट करो किसी के बाल या कुछ तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। ओके, यू कैन सी, ये मैं थोड़ा सा बैक कैमरे का आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे अच्छे से बाल कर्ल हो गए, यू कैन सी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हैवेल्स की चॉपस्टिक का अगर आपको रिव्यू चाहिए ना मैं डिटेल में दूंगी, बहुत अच्छी है। मांग टीका लगा लिया मैंने गोल्डन कलर का और यहाँ पे मैं अपने बाल थोड़े मतलब थोड़े बहुत सेट कर ले रही थी ताकि लुक काफ़ी अच्छा लगे। मुझे ना लुक थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे लिपस्टिक लाइट लगानी चाहिए थी, बट फिर मैंने सोचा नहीं, इसके साथ ये डार्क लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है, मतलब मस्त लग रही है। हाँ, अगर मैंने डार्क लगाई तो इसका मतलब ये नहीं गाइस कि आप भी डार्क ही लगाओ। अगर आपको लाइट लिपस्टिक पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। ओके, लेकिन ये आई शेडो ना आपके लिए, मतलब ये सबके लिए है, मतलब आप सब लगा सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है और एक ही आई शेडो लिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेसिकली लोग भी ऐसे पिंक ही लगाते हैं, है ना। और मैंने हैवी पहना है उसके हिसाब से मैंने किया था। यहाँ पे मैंने बैंगल्स पहन लिए, सबसे पहले मॉइस्चराइज़ किया अपना हैंड और बैंगल्स पहन लिए। दिस इज़ माय फाइनल लुक, लुक एट द एंड गाइस बहुत सुंदर हुआ था। पिंक कलर की मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, मेरे पास पूरा सेट है तो मैं ऐसे मिक्सअप करके पहनती रहती हूँ कलरफुल चूड़ियाँ, तो मेरे को ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जाना प्लीज़ गाइज, बाय।